केजरीवाल से जुड़ी बड़ी जानकारी। सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को झटका लगा है। 7 दिन की अंतरिम बेल बढ़ाने की याचिका को स्वीकार नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की अर्जी स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। केजरीवाल को अब 2 जून को सरेंडर करना होगा। गिरफ्तारी को चुनौती देने पर फैसला पहले ही सुरक्षित रखा गया है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ऐसे में बेल बढ़ाने की याचिका को मंजूर नहीं किया गया। 2 जून को केजरीवाल को वापस जेल जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 7 दिन की अंतरिम बेल बढ़ाने की याचिका को स्वीकार नहीं किया गया। आशीष सिन्हा लीगल एडिटर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष जी, अभी 2 जून का इंतजार किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जेल में वापस जाएंगे, लेकिन उम्मीद ये कर रहे थे कि 7 दिन की उन्हें अंतरिम बेल मिल जाए। सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ, क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? देखिए, दरअसल अरविंद केजरीवाल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई थी, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि स्वास्थ्य के आधार पर जो उनकी बेल है, इंटरिम बेल, उसे 7 दिनों के लिए और बढ़ा दिया जाए। कल उनकी तरफ से कोशिश की गई, जस्टिस माहेश्वरी के सामने उन्होंने मेंशन किया। उन्होंने कहा कि आपको पिछले हफ्ते मेंशन करना चाहिए था, आप सीबीआई के समक्ष जाएं। आज अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में संपर्क किया और अपनी याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की। रजिस्ट्री ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि आपको केवल 2 तारीख तक, यानी 2 जून तक की ही अंतरिम जमानत मिली हुई है और आपकी याचिका पर जल्द सुनवाई करने का कोई आधार नहीं बनता। उसके पीछे रजिस्ट्री ने वजह बताई। पहली वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी को और हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। दूसरी बात यह कही कि इस मामले में अदालत ने अपने फैसले में यह कहा था कि अरविंद केजरीवाल जमानत के लिए निचली अदालत का रुख कर सकते हैं। तीसरी अहम बात रजिस्ट्री ने यह कही कि अब चूंकि 2 जून को सरेंडर करना है, ऐसे में इस अर्जी पर जल्द सुनवाई की संभावना नहीं है। तो ये 3 अहम बातें करते हुए रजिस्ट्री ने है सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल की मांग को ठुकरा दिया। इसके अब मायने क्या है? मायने ये है कि अरविंद केजरीवाल के पास 2 ही विकल्प बचे हैं। पहला ये कि वो एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष जाकर गुहार लगाएं। चूंकि न्यायाधीश इस समय वेकेशन बेंच में बैठे नहीं है, इसलिए केवल मेल करने का ही एक तरीका है। दूसरा उनके पास विकल्प ये है कि वो निचली अदालत में जमानत अर्जी दाखिल करें और वहां से अंतरिम जमानत की मांग कर सकते हैं, लेकिन वहां से भी राहत मिलेगी ऐसी उम्मीद कम है, क्योंकि वहां पर उनको जमानत अर्जी दाखिल करनी पड़ेगी, लंबी सुनवाई चलेगी और जिस स्वास्थ्य के आधार का उन्होंने कारण बताया है तो वो तो जेल में रहते हुए भी स्वास्थ्य की जांच हो सकती है, यही दलील ईडी की तरफ से होगी। यानी कुल मिलाकर कहें तो 2 जून को अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की तिहाड़ जेल में सरेंडर करना पड़ेगा, जो अदालत का आदेश था सुप्रीम कोर्ट का पिछला, जिसमें कोर्ट ने केवल पोलिंग चुनाव प्रचार के लिए ही अरविंद केजरीवाल को इजाजत दी थी, अंतरिम जो बेल थी वो दी थी। अगर निचली अदालत का रुख करते हैं, जैसा कि आपने बताया कि एक विकल्प है, उसमें कितना समय लग सकता है? क्योंकि 2 जून करीब है और अरविंद केजरीवाल इस कोशिश में किसी तरह से राहत मिल जाए, क्योंकि स्वास्थ्य का हवाला दिया, 7 किलो वजन कम हो गया था जेल में, ऐसा उनका कहना है। नहीं देखिए, उनके पास विकल्प तो है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो वो निचली अदालत जा सकते हैं, लेकिन निचली अदालत में जो प्रक्रिया होगी वो अरविंद केजरीवाल के हिसाब से तो तय नहीं होगी ना, वो तो अदालत तय करेगी। और अदालत में अगर आज वो निचली अदालत में जाकर याचिका दाखिल भी कर देते हैं तो आज 29 मई की तारीख है, अदालत अगर आज ही सुनवाई के लिए तैयार हो जाता है और ईडी को नोटिस भी जारी कर देता है, फिर भी तो ईडी जवाब दाखिल करने के लिए समय लेगी, 2 या 3 दिनों का समय लेगी, या केवल 24 घंटे में तो ईडी जवाब दाखिल नहीं कर देगी। तो ये इतना आसान नहीं होगा। सब कुछ निर्भर ये करता है कि क्या उनके वकील जो है वो निचली अदालत को कन्विंस कर पाएंगे कि आज ही सुनवाई करके, आज ही नोटिस जारी कराकर कल मामले को सूचीबद्ध करा लिया जाए, तब ये संभव हो पाएगा, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी संभव हो पाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो अरविंद केजरीवाल को अभी राहत मिलती